अब जहां तक ये बात है, मनीष कश्यप के बाद अगर आवाज उठाने वाला कोई लगता था सोशल मीडिया पे, मेरा विकास भाई था एक्सपोज मीडिया वाला, तो अभी कहां गया? क्यों नहीं 1700 करोड़? किसका पैसा गया? जनता का पैसा, मेरा भी टैक्स। सब इतने बड़े हैं, उनको जेल में डाल दिया जा सकता हम लोग के साथ। हाँ, तो बस पत्रकार लोग भी अब वही मुंह देखी बात करो, आप लोग मुंह देखी बात करो, डर के मारे पत्रकार पत्रकार मत रहो, इस डर से आप लोग सच्ची आवाज मत उठा पाओ कि कहीं हमको भी जेल में ना डाल दे, तो पत्रकारिता भी गई चूल्हे भाड़ में बिहार वालों की। तब अब तो हम पत्रकार लोगों पे सवाल उठाएंगे कि जितना वायरल होना चाहिए था ये न्यूज कोई नहीं किया, न प्रिंट मीडिया किया न सोशल मीडिया किया, तो मतलब आप लोग भी बिक चुके हो, हमें तो हमेशा बदनाम करते हो, अब आपकी बारी है, हम करें बदनाम पत्रकारों को। अब जहां तक ये बात है, मनीष कश्यप के बाद अगर आवाज उठाने वाला कोई लगता था सोशल मीडिया पे, मेरा विकास भाई था एक्सपोज मीडिया वाला, तो अभी कहां गया? क्यों नहीं 1700 करोड़? किसका पैसा गया? जनता का पैसा, मेरा भी टैक्स होगा उसमें शायद 2 रुपया, तो वो पैसा गया, अभी क्यों नहीं पत्रकारिता दिखाए? वो अभी उड़ीसा गए, तो ठीक है उड़ीसा से ही आवाज उठा देते हो, तो कहीं रहते कहीं से, उसमें आवाज में क्या है? हम यहाँ बैठे हैं भागलपुर के मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली के मुद्दे पे आप भी उठा देते, तो देखिए पत्रकारिता भी अब लोग सोच समझ के कर रहे हैं बिहार में। बिहार में एक डर हो गया लोगों के मन में कि भाई हम ज्यादा आवाज उठाएंगे तो कहीं मेरे पे भी एक्शन ना हो जाए, तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हमें पूरी आजादी है हमारी अपने बातों को रखने की, और ऐसे ऐसे मुद्दों पे अगर आप लोग चुप बैठोगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बदनामी का काटा आपके तरफ भी जाएगा कहीं।